दिव्या अग्रवाल ने एक बहुत ही सुनहरा आइडिया बताया कि भाई एक काम करते हैं कि यहां पर आप जो है नेहा को लेकर बैठो, उससे बातचीत करने की कोशिश करो। और अक्षरा ने वही किया। अक्षरा ने एक ऐसा पासा फेंका जहां पर नेहा जो है चारों खाने चित्त हो सकती थी, लेकिन शायद ऐसा लग रहा है कि प्रतीक और नेहा में इस तरीके की बॉन्डिंग हो गई है कि अब चारों खाने चित्त होना तो लाजमी बिल्कुल भी नहीं है। आज के रिव्यू में जहां पर बात करेंगे अक्षरा के इस मास्टर प्लान के बारे में, वहीं साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों कि शमिता शेट्टी जो कि आज कहीं ना कहीं बहुत अच्छी भी लगी हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा डुअल फेस लगी हैं, राइट? ये हो सकता है कि उनकी जेलिसी हो टुवर्ड्स दिव्या एंड शी डोंट लाइक कि दिव्या जो है वो राकेश के साथ हो, या फिर अगर बात की जाए तो मूस और निशांत की जो कि अगले सिडाजिम बनने के रास्ते पे बढ़ गए हैं, या फिर बात करेंगे दोस्तों हम उस पर्टिकुलर कंटेंडर की दिव्या की जिसके पास एक सुनहरा मौका था और अगर वो चाहती तो वो कुछ कर सकती थी। मैं लिटरली अपसेट हूं आज दिव्या से। आइए बात करते हैं। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर मौजूद राहुल भोज के नाम से आप वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब नन अदर देन इस पर्टिकुलर थिंग की जो कि आज बिग बॉस के घर में देखने को मिलता है। सबसे पहले अक्षरा बैठकर बातचीत कर रही है नेहा भसीन से। यहां पर बातों ही बातों में अक्षरा ने बोल दिया आई लाइक प्रतीक। वो हमें पहले ही देखने को मिल गया था क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सीना ठोक कर ये बात बोली थी कि भाई चाहे कुछ हो जाए, मेरा दोस्त गलत है तो मैं गलत का भी साथ दूंगी, कुछ भी हो जाए, हर हर महादेव। और उन्होंने जो है इस तरीके से साथ निभाया था। हम सब जानते हैं दोस्तों प्रतीक कितना भी गलत था, लेकिन यहां पर जो बंदी है यानी कि अक्षरा, वो साथ निभाते हुए नजर आई थी, तो ये बेसिकली लाइकिंग थी। बट एक इंपॉर्टेंट बात जिसको मैं काटते हुए भी बोलूंगा, जो प्रतीक ने बात बोली थी कि देखो नेहा भसीन जैसी बड़ी कलाकार प्रतीक की बात मान रही है, प्रतीक की उंगलियों में नाच रही है, उसके लिए खाना कर रही है, उसके लिए बर्तन कर रही है, उसके लिए ये कर रही है, उसके लिए वो कर रही है। सो वो बेसिकली दिखाना चाह रहा है। क्या ये सही है? क्या अक्षरा जी ने इस बात को पकड़ के बोल के क्या सही बोला? वेल दोस्तों नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें ना एग्जैजरेशन है, थोड़ा सा इसमें ना एक चीज है जो कि मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नेहा और प्रतीक के बीच में थोड़ी सी फूट डालने का एक बहुत अच्छा मौका देखा है। ये गलत नहीं है, ये गेम के तर्ज पर ही कहूंगा मैं, ये गेम है दोस्तों, तो गेम में आपको सामदाम दंडभेद का इस्तेमाल करना है। बस अश्लीलता या फिर गंदी बातों से या फिर लड़ाई करके धक्का मुक्की करके ये सब नहीं, ये सब मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता या विमेन का डिसरिस्पेक्ट। बट हाँ, ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग है चलती रहती है, ये अक्सर करते हुए आते हैं। दिव्या कितनी बड़ी गेमर है जो कि हमें कल के एपिसोड में नजर आया था, लेकिन ये बात यहां पर नेहा और प्रतीक ने आपस में क्लियर कर दी, राइट? प्रतीक बोलता है कि मैं क्या करूंगा बाहर जाके इसको लेकर, मुझे कुछ काम मिल रहा है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा, राइट? तो ऐसे में मैं आपसे क्यों ऐसा कराऊंगा? तो प्रतीक भी यहां पर डेढ़ शाना निकला। अक्षरा जी ने पासा तो फेंका था, बट कहीं ना कहीं वो पासा जो है उनके ऊपर उलट कर आने वाला है। ओ, पासे से याद आया कि अक्षरा जी को जो है नॉमिनेशन में डाला गया, अक्षरा, मिलन गावा, ये अपना निशांत और साथ ही साथ ये दिव्या है, तो इनमें से सबसे ज्यादा जिसे वोट मिलेंगे ऑडियंस के वो सेफ हो जाएगा। तो वो कौन होगा ये आप लोग ही डिसाइड करेंगे, आप किसको वोट करें ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर दे दीजिएगा, ठीक है? अब यहां पर दोस्तों एक अलग किस्म की बॉन्डिंग हमें नेहा और प्रतीक में नजर आई। आज जिस तरीके से वो घुल मिल रहे थे, जितना कोजी कोजी एटीट्यूड हो रहा था, 18+ बातें चल रही थी या नॉन 18+ बातें चल रही थी, तो वो हमें देखकर रिलैक्स तो मिला, नो डाउट घर में कहीं ना कहीं मस्ती मजाक हंसी मजाक हो रहा है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि नेहा जो है प्रतीक के ऊपर हावी हो रही है। और आप देखेंगे नेहा प्रतीक के साथ जब से मिली है तब से प्रतीक का गेम जो है वो वीक हो रहा है, प्रतीक उठकर नहीं आ पा रहा है, प्रतीक कहीं ना कहीं पीछे पीछे होते हुए नजर आ रहा है, ऐसा मुझे पर्टिकुलरली लगा। अब पता नहीं आपका क्या रिएक्शन है, मुझे इसके बारे में जरूर बताएं, बट दिस इज माय ऑनेस्ट रिएक्शन कि प्रतीक थोड़ा सा हमें थोड़ा सा ऐसे कमजोर टाइप का लग रहा है क्योंकि नेहा कहीं ना कहीं ओवर पावर कर रही है। अब इसके बाद दोस्तों बिग बॉस बोलते हैं कि दिव्या को तड़का लगाना है और बिग बॉस डिसाइड करते हैं कि दिव्या आप जो है
आपको या तो लड़का या तो लड़की किसी का भी कन्विंस करो और उसको अपने पार्टनर बनाओ। मैं दिव्या जैसी लड़की से ये बात बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता। वो लड़की जो कि चार तरफ मतलब चारों तरफ देख के चलती है, वो लड़की जो कि गेम में स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ रही है और बहुत एकदम अलग वे में बढ़ रही है, और प्लस शी इज प्लेइंग सो गुड, तभी तो वो चार हफ्तों में दो हफ्ते तो उसके बिना पार्टनर के हो गए। तो ऐसे में दिव्या को लेकर मेरी बस यही राय है कि दिव्या को यहां पर कोशिश करनी चाहिए थी, दिव्या को कोशिश करनी चाहिए थी, दिव्या को एटलीस्ट पार्टनर में मुझे ऐसा लगता है कि उसको कम से कम इतना चाहिए था कि यार वो लड़का लड़की किसी को तो कन्विंस करे, इवन दो शी इज डूइंग हर बेस्ट, वो कर रही थी, चाहे वो निशु को बोलना हो, चाहे वो प्रतीक को बोलना हो, चाहे वो शमिता के लिए बोलना हो, बट वो एक एंथुसियाज्म, वो एनर्जी, वो स्टिग्मा उसके अंदर नहीं दिखा। वो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो सिर्फ फॉर्मेलिटी है तो इसलिए कर रही है। और कायदे से अगर देखा जाए तो वीकेंड के वार पे ये बात कहीं ना कहीं करण जौहर उठाएंगे उठाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिव्या, एक तो वैसी दिव्या के पीछे रहते हैं, राइट? तो दिव्या आपने, आपको अच्छा मौका मिला था, आपने क्यों नहीं किया? सॉरी। अब दोस्तों यहां पर एक और चीज अगर आपने नोटिस करी होगी, निशांत तगड़ी गेम कर बैठा है, निशांत तगड़ी गेम करके बैठा है कि अक्षरा को अगर मान लेते तो गाबा का पत्ता कटेगा, गाबा अगर मान लेगा तो अक्षरा का पत्ता कटेगा। शायद निशांत ये भूल रहा है कि अक्षरा का पत्ता तुमसे पहले नहीं कटने वाला, क्योंकि निशांत ठीक है, निशांत स्ट्रांग है, लेकिन अक्षरा के पास स्ट्रांग तो है चीजें, लेकिन अक्षरा के पास, अक्षरा जी के पास जो है पब्लिक का सपोर्ट भी है। यूपी बिहार की जो 7-8 करोड़ की जनता है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी ही करेगी, और उम्मीद यही है कि अभी इस वक्त पोल जो आए हैं रिसेंट उसमें अक्षरा सबसे आगे चल रही है। तो दोस्तों यहां पर अब दिव्या ने अपनी तरफ से कोशिश नहीं करी और ये गेम कहीं ना कहीं भुस हो गया। हालांकि निशांत, मूस और प्रतीक ने इस गेम को इंटरेस्टिंग बनाना चाहा था कि नेहा को तंग करते हैं और नेहा को छेड़ते हैं थोड़ा सा, वो अच्छा लग रहा था। अगर उस पर ही नेहा ओवर करती ना, मतलब कि अगर उस पर ही नेहा भड़कती ना, तो वो शायद और भी ज्यादा मजा आ जाता, मुझे ऐसा लग रहा है पर्टिकुलरली। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बिग बॉस बोलते हैं कि दिव्या ऑलरेडी नॉमिनेट हो गई है क्योंकि उसके पास कोई पार्टनर नहीं है, प्लस बाकी के एक एक करके लोग जो हैं वो पार्टनर, मतलब वो मुझे कुछ कुछ चीजें बहुत बेवकूफी वाली लगी और कुछ कुछ चीजें जेन्युइन लगी। देखो सबसे पहले तो मैं इस पूरे उसमें निशांत के मास्टर प्लान को एक्सपोज करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि निशांत ने कहीं ना कहीं मूस को बचाकर अपने ऊपर ही एहसान किया है, क्योंकि इससे निशांत को पता चल जाएगा कि हम लोग जो हैं क्या दो अच्छे लग रहे हैं या फिर मैं अकेला अच्छा लग रहा हूं, क्या जनता मुझे, देखो क्योंकि जब भी आप नॉमिनेशन में जाते हैं ना तो इट्स अ टेस्टिंग टाइम कि आप घर में सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। तो ऐसे में निशांत इस बात को परखना चाहता है कहीं ना कहीं, वरना निशांत वो चाहता आराम से मूस को मना लेता, मूस के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, मूस का भी सॉफ्ट कॉर्नर है निशांत के मन में, तो वो आसानी से बना लेता, लेकिन उसने कहा कि नहीं मैं करता हूं। और फिर उसके बाद दोस्तों उसने अगला गेम प्लान छोड़ दिया, वो ये है हैशटैग सिडाजिम वाला। जिस तरीके से आसिम और सिद्धार्थ अच्छे दोस्त होकर फिर लड़ते हैं जो कि शो की टीआरपी बन जाता है, यहां पर भी कहीं ना कहीं वो आलम नजर आ रहा है मुझे। अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से दोस्तों तो ये पूरा प्री प्लान टाइप का लग रहा है जो कि निशांत ने बनाया है, पहले मुंह से अच्छी दोस्ती करना, प्यार का यू नो काइंड ऑफ अ प्यार का थिंग एंड ऑल, फिर उसके बाद अचानक से मुंह से ये बात ना करना, थोड़ा सा रिसियाए रहना, थोड़ा सा अपसेट रहना, तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि भाई ये जो पूरा सिनेरियो है ये गलत है, राइट? ये निशांत की उपज है और वही हमें देखने में मजा भी आ रहा है। अब दोस्तों यहां पर निशांत और मूस में से निशांत चिट्ठी जो है फाड़ देते हैं अपनी, और मूस अपनी चिट्ठी पढ़ लेती है, बहुत इमोशनल हो जाती है, वो रोती भी है बाद में, राइट? फिर उसके बाद आते हैं गाबा और अक्षरा। मुझे पर्टिकुलरली इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दोस्ती का अगर ठीक है आप दोस्ती निभा रहे हो, बट इट्स ऑल गेम ऑल्सो, आप में से किसी एक को तो उठा, एटलीस्ट गाबा ही ये पहल करता कि नहीं अक्षरा जी आपका जन्मवार है, चलो मैं कर देता हूं, या फिर अगर अक्षरा कह देती कि चलो, अगर उनको अपने फैंस पे यू नो ट्रस्ट है तो वो कह देती कि गाबा मैं तुम पढ़ लो, मैं फाड़ देती हूं अपनी चिट्ठी,
तो कहीं ना कहीं वो जायज होता है दोस्तों। और उससे ना ये गाबा और अभी जो सोशल मीडिया में बाई गॉड लोग जो है ना इनको बहुत ज्यादा बैश कर रहे हैं इसी बात को लेकर कि किसी एक को तो सेव हो जाना चाहिए था कायदे से देखा जाए तो। तो अभी इस हफ्ते जो जाएगा वो गाबा जाएगा ऐसा उम्मीद कर रहे हैं लोग। और गाबा का गेम हो चुका है, गाबा के पास अगर देखा जाए तो भाई दिल का बहुत अच्छा है, बहुत साफ है, एकदम पानी की तरह साफ है, जिस तरीके से यू नो होली वाटर होता है वैसा। लेकिन द थिंग इज कि उनके पास कंटेंट नहीं है, लेकिन द थिंग इज कि उनकी जो है निशाने नहीं है, टारगेट नहीं है। नेहा थी, नेहा से उन्होंने सुलह कर ली, शमिता थी, शमिता कुछ हल्की से बोलती है तो वो सुलह हो जाती है, राकेश कहीं ना कहीं उनके अच्छे दोस्त हैं, तो भाई झगड़ा किससे होगा, कंटेंट किससे निकलेगा, जीशान तो है नहीं। तो ऐसे में अब दोस्तों गाबा का नंबर आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस हफ्ते डेफिनेटली नॉमिनेशन इविक्शन होगा और उस इविक्शन में गाबा भैया निकलेंगे ही निकलेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं ये शमिता और राकेश आते हैं। शमिता का मैं कहना चाहता हूं कि बंदी प्योर एंड प्योर कॉन्फिडेंट है, प्योर एंड प्योर वो इस बात पे बैठी हुई है कि भाई मुझे मेरी जनता बचा लेगी, लेकिन राकेश को कहीं ना कहीं जनता माफ नहीं करेगी। और सच में अगर यहां पर दोस्तों देखा जाए ना तो राकेश को जनता बिल्कुल माफ नहीं करती, क्योंकि जिस तरीके से राकेश खेल रहे हैं उनको गेम समझ में नहीं आ रहा, या उनको चीजें बहुत स्लो समझ में आ रही है, या वो जिस तरीके से चल रहे हैं बिल्कुल भी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ शमिता के बल पे आगे आए हैं यार, अपना उनके पास कोई कॉन्टेंट नहीं है। अब लड़ो मत, झगड़ो मत, लेकिन प्लानिंग प्लॉटिंग तो करो, खेल के बारे में कुछ सोचो तो सही, आप तो वो भी नहीं सोच रहे हो। आपको या तो हम खाते हुए देखते हैं या तो शमिता को गालों में पप्पियां करते हुए देखते हैं, तो ये मुझे लगता है कि चीजें हैं। अच्छा, शमिता और राकेश से बात है, शमिता कहती है, शमिता बेसिकली चिढ़ गई कि दिव्या की, एक्चुअली उनको पहले कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर दिव्या का मैटर है तो ये हाईलाइट होगा, और प्लस अगर मैं इस तरीके से इनको जेलसी दिखाऊंगी कि दिव्या को पसंद नहीं करती हूं तो हो सकता है कि चीजें चेंज हो जाए, यू गेटिंग इट। तो यहां पर शमिता जी ने बड़े ही चालाकी से, यू नो मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं बस कह रहा हूं कि बड़े ही स्मार्ट तरीके से उन्होंने जो है इस बात को यू नो कर लिया कि राकेश को पहले, वो कहती है मैं इसकी गर्लफ्रेंड तो है ना जो मैं इसे चिढ़ूंगी, जब नेहा बोल रही थी, फिर उसके बाद उनको लगा कि नहीं यार इस मुद्दे को उछालना चाहिए, उन्होंने भैया पूरा चेंज कर दिया। कैन यू सी हर माइंड, शी सो शार्प, सो ब्रिलियंट, कि उन्होंने पूरा उसको चेंज ही कर डाला, और उसके बाद उन्होंने वो झगड़ा बना दिया, और उसके बाद फिर राकेश की चुम्मियां, ओए होए, वो तो शो को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर गई। हमको अच्छा लगा, हमको लगा कि यार वाह, दोनों के बीच में अच्छा बॉन्ड डेवलप हो रहा है। अब भाई घर के बाहर होगा कि नहीं ये तो शमिता ने बोल दिया, वी विल सी। लेकिन शमिता ने आज अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करा ये बात बोल के कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड तो ही ना हूं, और फिर उसके बाद गर्लफ्रेंड की तरह ही वो थोड़ा सा जेलस भी फील होने लगे, फिर कहने लगे कि नहीं कनेक्शन होता है, मुझे पसंद नहीं है जो लोग मेरे क्लोज हैं, वो ऐसे लोगों के, आई जस्ट हेट हर, ये सारी चीजें। सो ओवर एंड ऑल आज का एपिसोड थोड़ा अच्छा था कंपैरेटिवली, दो जो गंदे एपिसोड गए हैं पिछले के, चाहे वो करण जौहर साहब हो या फिर सनी लियोन, वो भी थोड़ा अच्छा था, लेकिन आज का फिर भी थोड़ा 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 अच्छा था। अब देखते हैं कल क्या होगा, कल तो ऐसे जितनी भी हाइलाइट्स थी वो मैंने आपको बता दिया लाइव वीडियोस में देख देख के, आप फटाफट बताइएगा मुझे, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर राहुल भोज के नाम से हूं मैं, तो डेफिनेटली यू गाइज डेफिनेटली सपोर्ट मी ओवर देयर, एंड कुछ बात करनी है, शिकायत करनी है, या फिर कुछ चीजें शेयर करनी, तो यू आर मोस्ट वेलकम। चलता हूं, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।